मारे मानसा के लाला सा पुरैया हो, हे छठी मैया। वैशाली का गणतंत्र हूँ और जेपी की चिंगारी हूँ, और चट्टानों को तोड़ा है दशरथ का हथौड़ा भारी हूँ। हाय क्या बात है कि चट्टानों को तोड़ा है दशरथ का हथौड़ा भारी हूँ। हाय हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, बॉस बिहारी हाँ से हमेशा रस हम रंगदार हैं, लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े उर्वर टाल कछार है। अरे दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे। हाय कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो, रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए शान के। टूटे मेढ़ हो खेतों सूखे खेतों, टूटे मेढ़ है सूखे खेतों, खलिहानों का गायक है पथरीली राहों का राही, भावों का अनहद नायक है, भूखे पेटों की लहरों का गीत मुखर हो गाता है, नीलोत्पाल का शब्द शब्द संकीर्णों का परिचायक है, संघर्षों का परिचायक। एक बार खड़े होकर के ईश्वर का माँ शारदे को नमन करता हूँ, और सबसे पहले माला सब वहाँ रख दे तब ना वहाँ आवाज दीजिएगा, फिर माला यहाँ खत्म हो गया। और तुम जो 2 घंटा में 12 माला पहनाओगे, बरमाला पहना पाओ कभी जीवन में? इतना माला तुम गया में जाके मंदिर में पहना देता बाबा को, मजाक तो ब्याह हो जाता तुम्हारा। गलत जगह जो तुम माला पहना के थक गया है। अच्छा मैं 4 घंटे से बैठा हूँ, इतना देर को मोदी जी को चुप करा के दिखा दे। रात को 12 बजे रेडियो में बोलने लगता है मन की बात, आप भले सोए हुए हो बोल रहा हूँ आदमी, और हमको विधायक जी बैठ के अब ऐसा लग रहा था कि आडवाणी जी को कैसा लगता है। क्या बात दादा, यहाँ बैठे वही सोच रहा, मेरा हाथ भी ऐसे ऐसे होने लगा था यार, उस आदमी को कैसा लग रहा होगा 8 वर्ष से कुछ नहीं बोलने दे रहा है। खैर आज के जो मैन ऑफ दी, मैं तो वुमेन ऑफ दी मैच बोलूंगा, कि मंच की बेटियों ने जो कमाल करके दिखाया है, हिसुआ इसका गवाह बना है। हिंदुस्तान के किसी कवि सम्मेलन में इस तरह से, पहले तो एक मंच पर 4-5 कवित्रियाँ नहीं दिखती हैं, देखने के लिए 1-2 कवित्री होती हैं, लेकिन यहाँ सुनाने के लिए और सुनाने लायक, और आप जैसे श्रोता जिन्होंने हौसला देके रात को 11 बजे आखिरी कवित्री कविता पढ़ के बैठी है, लोग बैठे हुए, आप समझ रहे हैं आपने ऐतिहासिक काम किया, वो आपके वजह से लोग हैं। और वुमेन ऑफ द मैच की आप लोग सुनने के लिए यहाँ बैठी हुई हैं इतनी रात तक, और मैन ऑफ द मैच में 2 वो चचा, वो पीला गमछा वाले चचा, हाँ, और आप उनके आगे जो बैठे हुए 2 गमछा, मैं शुरू से देख रहा था कि अगर आप लोग दोनों अंतिम तक टिके रह गए तो भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा, आप लोग टिके रह गए, मेरा चुप का काम कर गया, हम यही सोच रहे थे, हमको लगता था कहीं उठ जाए सामी गेंद इधर उधर चल जाएगा, विराट कोहली आउट तो नहीं हो गया, तो वो मैन ऑफ द मैच दोनों जो है वो रह गए। आप लोग बहुत देर से जो भी कवि थे आके बोल रहे थे विधायक जी आप तो कमाल किए, आखिरी तक रुके,
विधायक जी मने मन सोच रहे दो बूथ तो मजबूत कर लिए हम बैठ के लास्ट तक। हमको चिंता दो रहा है रितेश जी का। हाँ वही हम सोच रहे हैं ये तो संभाल लेंगे, लेकिन आपके यहाँ पूरा प्रशासन कवि प्रेमी है, आप इतना रात तक ही कभी खेरा में फंस के घोरे कैसे जगिएगा? हमें बता दो ये आप इसको कहते हैं स्मार्ट प्रशासनिक पदाधिकारी। हम विधि व्यवस्था के लिए रात को तो ये लोग आल बल पड़ रहा था, हमको बैठना पड़ा। चलिए मुझे नेता के तौर पे आपको देख के और प्रशासक के तौर पर ऐसे युवा को देख के, दोनों को देख के मैं हिसुआ आया और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है इस बात की। मैं सही आपको कहता हूँ जनप्रतिनिधि इतना समरस हो, इतना आनंदित होकर अगर लोगों के बीच रहे तो ये सब पूर्व भूतपूर्व आगे पीछे लगता रहता है। ये सब तो खेल है कबड्डी का, ये सब कभी रेखा के उस पार कभी रेखा के इस पार, ये सब तो कबड्डी का खेल है। मूल रूप यह है कि जनप्रतिनिधि हमेशा अपने जन के लिए प्रतिनिधि के तौर पर खड़ा रहता है कि नहीं, तो वो बात आपने दिखाई, आपका व्यवहार, आपकी समरसता और आपके जैसे युवा बीपीएससी करके आ रहे हैं और बिहार को बनाने में योगदान दे रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं भी इसी गली से आया हुआ आदमी हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ किसी जवान डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर को तो मुझे लगता है ठीक जगह पर काम कर रहा है, हम लोग कहाँ रतरत भर फंस गए। तो मैं हिसुआ पर भी बोलना चाहता था, यहाँ पर स्वर्गीय अशोक सिंह जी की स्मृति में ये प्रोग्राम है और अद्भुत कार्यक्रम रहा और जहाँ भी ये पुण्यात्मा होगी उनको लगेगा कि उन्होंने भी वैसी धरती में जन्म लिया जहाँ पर साहित्य और संस्कार को इतना स्नेह और इतनी मजबूती से टिकाए रखने वाले लोग हैं। ये छठी छठ का व्रत आ रहा है और इस कवि सम्मेलन का नाम भी दीपमाला छठ महोत्सव है और बेटियों पर बात हुई है। मैं सोचता हूँ कि रात का 11 बज रहा है, अब यहाँ से कुछ ऐसा गाया जाए कि फल्गु नदी के किनारे पर जब कल सुबह का सूरज उगे तो वहाँ हिसुआ का पहला अर्घ पड़ जाए। क्या बात। तो मैं चूंकि आज वुमेन ऑफ द मैच बेटियाँ हैं तो मैं छठी माई से बेटी मांगने का एक अपना गीत छठ का सुनाता हूँ, वहाँ से शुरू करता हूँ, फिर एक आप गीत सुनाऊंगा। स्वागत है भैया। बाबू कहाँ हो, माइक बुला के भाग गया हो तुम, थोड़ा सा इको देना, हम महिषासुर में गाएंगे, अब सुर तो लगेगा नहीं 11 बजे। मरे मनसा के ललसा पुरैया हो, हे छठी मैया। और हमारा बढ़ाना है, ओंकार जी का कम करना है, कम बंद ही कर आप नहीं। अरे आपने ओंकार जी आप लोग, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मतलब मैं कवि सम्मेलन से इतर बात कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा ना कवि सम्मेलन में रोज जाते हैं हम लोग, लेकिन इतना मैं तो सोच कल्पना से मेरे बाहर आया कि हमको ऐसा श्रोता मिलेगा। मैं बहुत रोते गाते आया हूँ, मैं भोपाल से आ रहा हूँ सर, बहुत रोते गाते आया कि नवादा भी नहीं है, कम से कम नवादा रहता, गया भी नहीं है, हिसुआ जाना है, बीच में पता नहीं लोग सुनेंगे कि नहीं, लेकिन क्या बात है। मरे मनसा के ललसा पुरैया हो, हे छठी मैया, हे मैया हो अंगना में दैदा, अरे गो सोना चिरैया, हे मैया हो अंगना में दैदा, अरे हे गो सोना चिरैया, जे उड़ के छुइया सब मनवा, आउ है बनी कुल के खेवैया। और लोग कहावतों में हम सुनते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय,
ये हमको परंपरा में बताया गया, लेकिन पुत्री के बारे में कोई कहावत हमें बताया नहीं गया। आगे आगे लाठी टेक के ही बेटा लोग लठैत के जैसा चलता है, पूत का पूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का। लेकिन एक छठ व्रती क्या कह रही है कि तब का करब अनाधन खजनवा हो, हे मोरी मैया कि ई है चिरई जाई मैं दनवा, तब देखी फेर जुट के जहनवा, अछीनी लाई चांदी और सुनवा, अरे छीनी लाई चांदी और सुनवा। और लोग कहते हैं कि कुल का भार जो है बेटों पर है, लोग अर्घ देते हुए कहते हैं ये वो बेटा हो जितिए तब ना वंश चलते हो। अरे वंश जब चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं चलने हमरे तो चिंता छे। कहाँ आप लोग सुने कि चंद्रगुप्त मौर्य के पर पोता का हीरो होंडा का शोरूम है, देखिए इसका बाप का। अरे चंद्रगुप्त मौर्य मिट गया, सम्राट अशोक मिट गया, बताइए स्कंदगुप्त मिट गया, अकबर मिट गया। जो लोग दावा करते हैं कि हम मुगल के वंशज हैं, आगरा में चप्पल बेच रहा है लोग। लेकिन हम लोग को चिंता है ये वो बेटा हो जाता गर्दा उड़ा देता, कुछ नहीं उड़ाता, हॉस्पिटल में जाके चढ़ा देता सलाइन पर, गुटखा खाने निकल जाता बाहर। हम ट्रेन में देखते हैं फ्रीडम फाइटर लोग का हालत, एक तो पहले ही देश पता नहीं कब आजाद हुआ था, 47 के बाद क्या 72-73 में या 2014 में आजादी मिला, ये फ्रीडम फाइटर लोग अभी तक जिंदा कैसे भाई। अरे भाई माला ना हाथ में, हाथ में हम माला कब है विधायक की टोपी ज्यादा है। हम चाचा देखते हैं ट्रेन में चढ़ेंगे, हम जसीडी चढ़ते हैं दिल्ली वगैरह जब पढ़ते तो जाने के लिए, फ्रीडम फाइटर लोग खादी का कुर्ता पता नहीं किससे मांग के कब का रखा है, धोबी को बोल के देता जरा जरा खून तून लगा के दे, लगेगा अंग्रेज से युद्ध में यह कुर्तवा पहन के लड़ रही है। फ्रीडम फाइटर लोग चढ़ेगा और आपको मिडिल सीट पर आप किसी तरह से जुगाड़ करके सोए हैं एसी में, आपको झकझोर के उठावेगा, आप कहेगा चाचा मेरा सीट है, रात को 1:30 बजे चिल्लाना शुरू कर रहे हैं बोगी में, इसी दिन के लिए आजादी दिलवाए थे तुम लोग को। और ऊपर वाला पैसेंजर नीचे वाला पैसेंजर जो बुद्धिजीवी लोग होता है वो आपको हुरकुच रहा है, आप फ्रीडम फाइटर को सीट नहीं दे रहे, तुम अपना दे दो रे साल। नहीं बुद्धिजीवी है बुद्धि दे रहा है खाली, सीट हमको देना है क्या कि हम बुद्धिजीवी नहीं है, हमको सीट देना है। बुद्धिजीवी इस देश में खाली बुद्धि दे रहा है, आप उससे मांगिए खाला रोजी रोजगार दे दो रोटी दे दो, नहीं बुद्धि दे देगा, ये है बुद्धिजीवी है ना। तो फ्रीडम फाइटर लोग ये तो ये है, तो वही लोग कहते हैं कि ये लोग देखेंगे फ्रीडम फाइटर, उसके बाद सीट उठ ले लेगा, इन लोगों के साथ देखो टंडेल होता है जे बोलेगा तोरा सेक्रेटेरिएट के ले जेते, पेंशन वाला ऑफिस के ले जेते। तो ये लोग दू गो फेंटा पर दू गो चिप्स पर चल जाता है चाचा के साथ ट्रेन में, आपको सुता होता कि गेट पर ये लोग खेनी रटावे, अपना चाचा है फिर कहेगा बुढ़वा लेके आया है पेंशन के लिए, इसका लड़का खत्म हो गया गुड़गांव में जॉब करता है, एक दिन बाप को देखने नहीं आता है कि हम ही पकड़ते चल रहे प्रमोद चल रहे तो ही पटना पहुंचा दिए, ये है बेटा कहानी है ना। तो इसलिए बेटियों बेटियों की जरूरत इसलिए नहीं है कि बेटा बेटी एक समान, वो इसलिए जरूरत है कि प्रकृति ने उसको भी बरगद का पेड़ बनाया है जिस पर जिम्मेदारियां अपना झूला डाल सकती है। क्या बात क्या बात, ठीक है ना। तो वहां है कि घाटावा पे दौरा लेके जाई हो, ए छठी मैया कि कांधे जाई ई हो लेके उखवा, आ जोड़ा डाला और ई जोड़ा सुपवा, हाय तत्तरी है अपने पुरखवा,
खुशी पई है माइया और बपावा कमैया हो अंगना में दईदा अरे हे गो सोना चिरैया जे उड़ी के छुया सम्मानवा आऊ है बनी कुल के खेवैया। जय भैया। क्या बात है, क्या बात है, क्या शब्द है। ये मैं कभी मंचों पर सुनाता नहीं क्योंकि गीत है, छठ का गीत है। मैं पिछले 3-4 साल से छठ का गीत लिखता हूँ और छठ पे गीत लाता हूँ यूट्यूब पर। तो अब मैं शुरू करता हूँ कवि सम्मेलन, एक दो गीत सुनाऊंगा क्योंकि रात काफी हो चुकी है। भैया सुबह तक लोग सुनेंगे। हाँ अरे भाई बादशाह भैया तो एकदम तू तो कमाल एकदम। मैंने तो विधायक जी जब आए फिर बोले कि उद्घाटन करवा रहे हो फीता काटने के लिए, नहीं है तो बोला वो बादशाह भैया बलवा पीछे से काट कर लंबा करके इसलिए रखा है। कभी सम्मेलन में बहुत तरह का आइटम है। अच्छा हम लोग के साथ क्या है, देखिए मैं IAS की तैयारी कर रहा था, मेरा सपना था कलेक्टर बनना, मैं IPS बनना चाहता था। बचपन में हर बिहार के लड़का को लगता है वर्दी पिन के गुंडागर्दी करेंगे ठीक रहेगा, IPS बनना चाहते है ना। तो हुआ नहीं। तो होता क्या है कि हर आदमी का सपना होता है। तो मैं इसी तरह से पढ़ते लिखते फिर कविता करने लगा, लिखने लगा, उपन्यास लिखा है ना। उपन्यास संयोग से लिखा जिस मैया की कृपा हुई कि लाखों में मेरे उपन्यास बिकते हैं। तो मुझे हिंदी पढ़ने वाले लोग जानते हैं। मेरे लिए आपके शहर में आना मेरे लिए इसलिए भी सौभाग्य का बात है कि मैं असल में इस तरह के असली वाले श्रोताओं से जुड़ सकूं। क्या बात है। इसलिए मेरा सौभाग्य मैं अपने उद्यम से यहाँ पर आया। तो मैं वही कह रहा था कि मैं ना महिलाओं पर इसलिए भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर कि मेरी पत्नी पुलिस वाली है। SCP वो SCP है। हमको बोली आप जाग पढ़ो कविता उविता, तुमसे यही होता तो हम कविता उविता ही पढ़ते। वही बादशाह भैया को बोल रहे थे बादशाह भैया तो हर जब हम सुनत रहनी। मैं 14 आज क्या नवंबर है मोबाइल का प्रभाव थोड़ी देर बाद मोबाइल का प्रभाव तो ऐसा है कि आजकल के लड़का दे दीजिए दूध दोहने के लेके आओ तो बैल के आगे जाके बाल्टी रख देता है। बैलवा जाके बाल्टी रख देता है और देखता है कि इसका दूध कैसे निकलेगा। तो छोटका भैया बोलता है गूगल पर देखो। तो साले गूगल भी ऐसा कि ई बैल से दूध निकालने की विधि बता देता है और अगर वो नहीं बता पा रहा है तो पता चलेगा दूगो कोचिंग वाला मास्टर वो बता रहा है बैल से दूध कैसे निकलेगा। कोचिंग, अच्छा कोचिंग से याद आया। हाँ हम यहीं थे, हम असल में फंस गए बतवा बीच में भूल गए। कोचिंग से हमको याद आया, वही है कि हम लोग भी कोचिंग के शिकार हुए, नहीं पढ़ सके, नहीं लगा नौकरी उकरी। तो ठगी के धंधे में सर आज के दिन में ठगी के धंधे में ठगना जो है वो 2 नंबर का है। 1 नंबर में है कोचिंग। पढ़ाई का धंधा है। मैं इसलिए कहता हूँ बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड जब मैं जाता हूँ तो मैं गांव देहात और कस्बों के लड़कों से कहता हूँ कि तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ जो अपने पसीने से और बाप जो खेत से तुम्हारा संभावना कोड़ कोड़ के निकालता है ना, अलुआ नहीं निकाल रहा होता है, एक घेता मारता है तो एक वो संभावना निकलता है, एक बोरिया जमा होता है, 1 बोरिया भविष्य, 2 बोरिया भविष्य। ये जो जमा किए हो इसको यहीं वसूलो। हसुआ में बैठ के, गया में बैठ के, नवादा में बैठ के, यहीं से आसमान छू रहा है लड़का और लड़कियां छू रही हैं। कोचिंग वाला तो बाद में पोस्टर खरीदता है, जब आप यहां से पास हो जाइएगा तब वो लोग मार्केट में पिंजड़ा ले घूमेगा कि उसको घुसाना है इसमें। सुनिए मधुकान जी सामने है, ठीक है। सही ना। एक तो देश परेशान है मोटिवेशनल स्पीकर से। एक अजब प्राणी आया है इस मुल्क में। उतना देश में सर चिंतित आदमी नहीं है जितना मोटिवेशनल स्पीकर है। एक एक चिंतित आदमी पर 4 मोटिवेशनल स्पीकर है।
मोबाइल हाथ में ऐसे करने रहे दू वो मोटिवेशनल स्पीकर प्रकट हो जाता है सूट बूट पहन के, ये आपको चिंता ही नहीं करने देगा। आपका बाल बच्चा चिंता करेगा रोजी रोटी तब ना कुछ सोचेगा हो, वो जैसे चिंता करता है मोटिवेट कर देता है वो आदमी आपको। कामिल जो थे कृष्णकांत, ये तो कम बोले तबीयत से पत्थर पत्थर तत्थर उछालो, कवि का काम है कि बोलना आपको कि हिसाब से उछालो, ऐसे यहाँ गिर जाएगा कि फूट जाएगा बाबू, उछाल का हट जाओ। तो यही है कि मोटिवेशनल स्पीकर से सावधान, ऐसे कवि सम्मेलनों में ऐसे प्रबुद्ध लोग आएंगे, ऐसे कवि आएंगे, यही समाज का निर्माण करेगा। ये सब सूट बूट वाला उछल उछल के जो जो पढ़ता है नहीं लोग, आग है तुम्हारे भीतर, आग है तुम्हारे भीतर, लिट्टी सेक ले, कहाँ है आग मेरे भीतर, कहाँ है आग, हमको सुता दो हसुआ नालंदा रोड पर, भूटा बेचो हमरे छाती पर भूटा रख के, आग है मेरे भीतर, आग है मेरे भीतर, कहाँ है रे आग रे, फॉर्म डाले हैं नौकरी खोज रहे हैं, आग का क्या करेंगे, आग है मेरे भीतर आग। मास्टर को बोलिए सर रिजल्ट दीजिए ना, आग 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 से काम करो, 2 लाख ले लिया आग लगा दिया आपको, आग आपके। तो ये जो आग से आपका काम लोग करवा रहा है नहीं, इसमें बुताइए, इसमें पानी मारिए और अंदर की ताकत को बाहर लाइए, आपकी ताकत, आपका मेहनत, आपकी पढ़ाई। अरे अविनाश जी माला से बड़ी डर लगता है, माला माला जो है कि अगले चुनाव में पहनने का मौका लगे तब पहनने। लेकिन माला पीछा नहीं छोड़े, बहुत बहुत अरे रे बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक गीत सुनाता हूँ बचपन का, बचपन का इसलिए भी सुनाता हूँ कि हम सब लोग जो हैं बेमतलब आदमकद होने के दौड़ में दौड़े जा रहे हैं और बौना होते हुए जा रहे हैं, जितना बड़ा बनने की कोशिश करते हैं उतना हम बौना हो रहे हैं, उतना नीचे से खी आ रहा है। हमको हर दिन लगता है 8-2 इंच और बढ़ लिए हो, नहीं तो खिया है गली दूं इंचा, क्योंकि ऊंचा उठने में कितना नीचे जा रहे हैं पता नहीं चलता है। एक जमाना था जब लोग पशुधन रख के खुश हो जाते थे, हमारे जो है कि खेत में बंधा है गाय बघारी में गाय, आज हम धन पशु होके भी खुश नहीं है। ये जो पशुधन से धन पशु का जो फॉर्मूला बदल गया, वहां से एक बचपन बचाए रखिएगा अपने अंदर, एक गीत छोटा सा बचपन का सुनाते हैं। भैया कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, हाय अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था वही मेरा सोना रे, अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन, बचपन क्या था, आज जब दुबित्ता जमीन के लिए मेड़ पर खून बह जाता है, बचपन की मिल्कियत देखी उसकी आजादी देखी, कि जहां मन जाते थे पर जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे, जहां मन जाते थे जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे, कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, आए कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन, कि माटी हम खाते थे अरे धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे, माटी हम खाते थे धूल में नहाते थे,
अरे सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे। हाय कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन, आज बाप का बेटा से नहीं बन रहा है, भतीजा का चाचा से नहीं, मामा से तो नहीं है बन रहा है ना? ये हमारे संस्था के अध्यक्ष मामा जी ही हैं। हाँ, ये एक मामा है जो किसी तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कभियों से नहीं बन रहा होगा, ऊपर पैसा कम पैसा ज्यादा पैसा है नहीं, हो जाए हो जाए। लेकिन वहां देखिए बचपन के रिश्तेदारी का ब्रह्मांडीय समीकरण देखिए कि एक बच्चा जो है उसकी रिश्तेदारी कहां तक जाती है कि आसमां पे आंखें थी हाथ में सितारा था और चांद मेरा मामा था सूरज भी हमारा था। अरे आसमां पे आंखें थी हाथ में सितारा था अरे चांद मेरा मामा था सूरज भी हमारा था। क्या रिश्ता है? तब कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे, हाय कहाँ गया हाय मेरा दिन वो सलोना रे, हाय दिन वो सलोना रे। आपको मन लग रहा है ना? लग रहा है क्यों भैया? जब से सुना है ना आप आ रहे हैं, लोगों ने रील बनाना छोड़ दिया है। अब देखिए आपको बताऊं कि बचपन के मासूमियत का सर उसका विरोधाभास देखिए, क्यूटनेस का कंट्राडिक्शन उसका, एक बच्चा कैसे सोचता है कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। अरे चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे कि एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, हाय हाय कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। जिंदाबाद इसको, जिंदाबाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आध गीत और सुना देता हूँ, तालियां बजा करके आदेश करिए कि बहुत सुनाना अभी। नहीं, ताली ताली को जो आप इतना तप चुके हैं, इतना खड़ा हो चुके हैं, खड़ा खड़ा, बहुत सुंदर। आप देखिए मजाक की बात नहीं है, अब चाय वाला था। ये जिस तरह से जो है कि ऐसे युवा आपके लिए या किसी बड़े महफिल के लिए क्या मायने रखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कविता जो आज कविता पढ़ाई जा रही थी मंचों पर, इन कवियों से पूछिए कि ऐसे लड़के क्या उनके लिए प्रोत्साहन रखते हैं, तो तुम्हारा भी मंच पे आना बाबू लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा देखिए गीत सुनाता हूँ, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, नितेश जी बैठे हैं, तो जो 35 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में लोग हैं सर, हम लोग गलत समय में जन्म ले लिए। हम लोग या तो 30 साल पहले आना चाहिए था, या ही 30 साल में जब देश एकदम वेल फर्निश्ड हो जाता बन जाता तब हम लोग जन्म लेते, कि हम लोग का काम होता भोरे जगना और रोड पर टहलने निकल जाना, देश तो बन चुका है, सारा काबिल आदमी भी इसी युग में आ गया, देश भी यही बन गया, सब कुछ हो जाता, हम लोग आराम से 30-40 साल बाद आते इत्मीनान से खाली एंजॉय करते, अरे इंडिया बन गया भारत, हम लोग फंस गए बहुत फेरा वाला टाइम में, इधर से बदमिजाजियां आते हुए देख रहे हैं, KTM बुलेट चढ़ के तहजीब जा रही है, साइकिल पर किसी तरह से टुकड़े ले निकल गया उधर, तो ये तो बुलेट चढ़ के जो बदमिजाजियां आ रही है और बैलगाड़ी पर चढ़ के जो तहजीबें जा रही हैं, हम वो देखने वाली आखिरी पीढ़ी है जो इक्वेटर विषुवत रेखा पर खड़ी है, एक पैर उधर एक पैर इधर, और हम देख रहे हैं कि अरे तो जा रहा है, वो आखिरी पीढ़ी है। तो इस पीढ़ी की जिम्मेदारी ज्यादा है, जो ये चयनित हो गया है तो उनके सिलेबस में है सतत विकास,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई ऐसा विकास, ऐसा अपने समय का ऐसा दोहन अपने समय के वस्तुओं का या संसाधनों का ऐसा दोहन करो कि आगे की पीढ़ी के लिए बचा भी सको, ये है सतत विकास। तो वहां से गीत की हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी कैसी है सुनाता हूं। थोड़ा सा नदी का पानी, हाय हाय, मुट्ठी भर रेत रख लो, हाय हाय, क्या बचाना है ना, कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, और धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो, रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, और दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, कि पूछेगा जो को तो अरे उसी को बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कैसी हुआ करती थी दुनिया। आजकल के बच्चे जो है सर, मोबाइल का पैटर्न खोल देते तो आपको लगता है आइंस्टाइन पैदा हुआ घर में। देख लो चिंटुआ गैलीलियो, अरे वो गैलीलियो कहिया चल देते हैं अपना रोका, वो गैलीलियो हो जाएगा, वो गैलीलियो नहीं है। कई लोग तो तांत्रिक से पैटर्न करवाते हैं लोग, बच्चा वो भी खोल देता है, आपको लगता है यार ये तो जंगजात प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है। ऐसा बात नहीं, आज से 30 साल पहले के बिहार में जो पैदा लेता था, हम लोग जब हम कभी चाकू घुमा सकते हैं, अरे जे मिलेगा चलाने चला लेंगे, तो प्रैक्टिस का चीज है। 30 साल पहले का बच्चा तो देश चलाने की प्रैक्टिस लेता था छठे सातवीं में, तब तो विधायक 3 बार के बैठे। आप तभी सोच रहे होंगे, तभी नहीं, इस उम्र में अगर आप 3 बार एमएलए रह चुके तो बचपन में सोचते होंगे बात। हम पहला वोट 11 साल की उम्र में दिए थे, सिपाही के इधर से निकल के उधर बैलेट मार। ये है लोकतंत्र में हमारा आस्था, छटपट मन करता है, नहीं लोकतंत्र में तुरंत भाग लेना है। 11 बरस हो गया, अब कब 14 बरस में तो राम वापस आ जाएंगे, हमको लोकतंत्र में भाग लेना है। तो 11 बरस में कैंडिडेट पर्चा बना जाओ, देखाऊ कबूतरी देवी के नाम पर देखा तो जाओ, देवा भी नहीं देवी के नाम पर देखा, ये लोकतंत्र के प्रहरी। मैं तो बिहार के बाहर से आने वाले कवियों को बोलता, भाई तुम सब सुनाओ बिहार में, राजनीति पर मत सुनाओ, ये तो यहाँ का कुल्ला करता पनिया में चल जाता है राजनीति भीतर, क्या सुनेगा है लोग पॉलिटिक्स पर। और उसमें भी हमको बुरा लगता है जब लोग इशारा में बात करते, खुला खुल्ला खेल फुरक्काबाजी, यहाँ कौन इशारा में बात करता है। पॉलिटिक्स पर बिहार में सुनाना समय बर्बादी है। तो इसलिए जो है आजकल के बच्चों को मैं यही कह रहा था कि बच्चों पर उसकी परवरिश जो है एक बहुत बड़ा टास्क है, वो आपको परंपरा और संस्कार से जो मिला है जो मैकेनिज्म उसको मत छेड़िए। मैं देखता हूँ आजकल मम्मी लोग तक तो ठीक है, मम्मी हम भी मम्मी बोलने वाली पीढ़ी है, अब जो मॉम लोग आई है मार्केट में। हाँ, हम लोग पापा वाले थे, अब डैड आया है, डेडू तक आ गया सर, उससे आगे डेडास भी उससे आगे आ गए। जो गोरा लड़का दिख रहा है ना रोशन, इसका बेटा है, वो हमको कहता है शर्मा जी। नहीं वो तो है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ शर्मा जी तो बोलेंगे, लेकिन नहीं वो तो हम लोग भी बचपन कहते थे कि मुखिया जी, वो तो होता था। लेकिन अब जो ये मॉम्स आई है, जिन मॉम्स को लगता है कि मेरा बच्चा छोटा भीम दे के चाउमीन खा लेगा, भीम को अच्छे काम में लगाइए, चाउमीन चाउमीन खिलाने में, बाल गणेश छोटा गणेश, कभी लोग इतना गरज गरज के बोलता है देश बनाने में इन लोगों को लगाओ, आप लोग गणेश जी को चाउमीन खिलाने लगवा रहे हैं बच्चों को, बाल गणेश देखो बेटा, छोटा भीम देखो बेटा, कुछ दिन में मार्केट में छोटा राम आ जाएंगे, छोटा लक्ष्मण आ जाएंगे, ये नहीं।
राष्ट्र निर्माण में लगाइए। बच्चों को जन्म देने वाली माँ से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है, वही बनाएगी, वही उसको बनाएगी। वाह, अगर आपको लगता है कि बच्चों को वो जो कि बड़े कॉलेजेस या बड़े स्कूल बनाएंगे तो ये भ्रम है। तो यहाँ से शुरू करता हूँ। उनकी दुनिया ऐसी हुआ करती थी, क्या है दुनिया, स्कूल के पीछे वाला अमरुद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो। क्या दर्शन है भैया। एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, अरे भौरे और तितली जहां खेले मिल जुल रे। हाय। अच्छा, बच्चों के साथ आजकल क्या होता है शहरों में, मैं देखता हूँ कि लोगों को गर्मी छुट्टी में माँ बाप कहता है कि बेटा विंटर में समर वेकेशन में नानी दिखाने ले जाएंगे, गया। अब बच्चा माँ और बाप को फुल पैंट पहन के नोच रहा है, पापा पापा नानी कैसी होती है, जख्म नहीं किया है नानी है, उसको एक बार हॉस्पिटल में देखी थी जन्म के वक्त। अब बेचारी बक्सा में जो सबसे मोटा चांदी का हाथ का कड़ा था, जो कहीं सोची थी पतोहूक देंगे, वो नाती को देकर चली जाती है। नाती पूछ रहा है वही 6 साल के बाद कि नानी कैसी होती है मम्मा। है नानी और दादा और दादी दिखाने, जब आप दिल्ली में जॉब करने वाले आदमी छठ के छुट्टी में 3 दिन नानी और दादी दिखाने लाइएगा, जैसे बांधव का भालू दिखाने लाए हैं। और आपको लगता है कि सब ठीक चल रहा है। कुछ दिन दादाजी ही दिल्ली आ जाते हैं, आजकल तो पार्सल होने लगा है बुढ़ा बुजुर्ग। होम डिलीवरी नहीं होगा तो आप भी पार्सल बुला लेता है, तो ही आ भी देते हो छठ में, आप कौन सी रखा लेना, नदी में पानी ना बालू, राजनीति इतना गंदा, गांव का माहौल खराब, अब छठ पहले जैसा रहा नहीं, अब तो सूरज ब्लू कलर का निकलता है। ऐसा लॉजिक देगा आपको बूढ़ा आदमी, सब जान रहा है कि सूरज आज भी लल्हे निकलता है, लेकिन नीला तो ही बेटवा निकल गया। तो वो मजबूरी में फिर बुढ़िया कहते की करबो, वैसन तो ही जन्म दे लो। झोला झंटा बेचारा समेटता है बूढ़ा बाप, बूढ़ी पूर्वा एक्सप्रेस पर फोन करता हूँ, मंटू दोस्त है इन तो है, हाँ बाबू चढ़ाए दी जरा ट्रेन वहाँ पर। बेचारा आपका दोस्त मंटू आया, चढ़ा उड़ा चचा और पूछा बा कि अब तो चल लियो गुड़गांव, अब पिंजड़ा में रहबे दोनों प्राणी, हमारा चिंता है खैनी खा थुकबो कहाँ। अखनेश पतोहु फोन पर 10 बार बोल के खैनी खाना छोड़ दीजिए पापा जी, खैनी खाना छोड़ दीजिए पापा जी, खैनिया नहीं खबर मरियो वहीं जगह हूँ। भाई खैनी का तो जादू है ना। अभी आप बादशाह जी जब कह रहे थे कि तुलसी पौधा लाइए, जब तक आप तुलसी पौधा नहीं लाते कहे तंबाकू तब तक खा लें, वो तो पौधा ही है। आप जो गैप दिए उसमें 3 बार तुलसी अपना बनाए। तो मैं यही कह रहा हूं, दुनिया ऐसी हुआ करती थी, और क्या बचाना, कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। हाय हाय, क्या बात है। और क्या बचाना है आपको, बहुत सुख सुविधा आ जाए तो उसके बाद भी, बहुत सुख सुविधा आ जाए उसके बाद भी क्या है, कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना, रखना वही एक लालटेन में तेल रे, आए जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। हाय हाय। और हिसुआ में भी ये मॉल खुली जाएगा, बाजार आपके कपार पर चढ़ रहा है, और मतवाला होकर आपको नचवा देगा, बौरा के मतले जिन्न चढ़ा है, बाजार आपके कपार पर चढ़ रहा है। विज्ञापन क्या बोलता है टीवी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कहता है ना,
ये विज्ञापन बनाने वाले लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं तो आपसे छुपाते हैं कि मुट्ठी के कसाओं में दुनिया दम भी तोड़ सकती है, इसलिए हथेली ढीला रखो, नसों को ढीला रखो। बड़ी बात है, नसों को ढीला रखना है। बहु क्या है कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, अचाट और फुलौरी वाले एक दो तो ठेला रखना। हाय हाय, याद रखना झाल मुढ़ी में मर्चा तूफानी रे। हाय, याद रखना झाल मुढ़ी में मर्चा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी पानी रे। और क्या बचाना है? पानी पानी। कि होली के रंग बचा लो दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीजी ते वो हार आए। की पूछेगा जो को अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस हुआ आपका, आपके इस मोहब्बत के लिए। आपने आज के पूरे कवि सम्मेलन को जिस तरह से भैया, ये वही देवेंद्र विश्वकर्मा है जो सुबह में वैसे दिख रहे थे। अरे नहीं 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 जो पलंग का रेट इन्होंने ही लगाया था। एक और सुना देता हूँ। नहीं नहीं, रील तो रील देखिए, 151 लोगों को खून दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा जागरण, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैठिए सर, हम आप लोगों का प्रेम और प्यार जो है वो बहुत पहले हम लोग रिसीव कर चुके हैं। इस प्रोग्राम ने जब 3-4 घंटा तय किया तभी हम लोग विश्वा का प्रेम रिसीव कर चुके हैं। अब हमारी बारी है कि आप इतनी रात तक बैठे हैं तो आपको कुछ अच्छा सुना के तब हम लोग बताएंगे। आइए बैठिए प्लीज, बैठ। माला उलग फोटो इसलिए भी रखते हैं पत्नी हमको बेरोजगार नहीं समझे। नहीं, लेखक को नहीं लोग समझता है जब तक पूछते है, करते क्या है लेखक तो ऐसे तो ठीक। हाँ वही करते क्या, तो यही बात है। इसलिए भी एक आध को माला उला वाला फोटो कि देखो इसमें इज्जत बहुत है। ई लो इज्जत, इसको गमला में रोपना, इससे इज्जत का 300 पौधा फिर उगेगा, फिर उसका माला बनाएंगे। और तुम्हारे इलाका सब दरोगा को तुम दे देना, गाँव सब दरोगा लोग भाई पहना देना सबको कि लो तुम लोग भी अपना इज्जत इज्जत का पेड़ पुलिस लाइन में इज्जत बांटना। फिर भाई कप्तान ने आज अपने पति के इज्जत का खेती किया और अपने सबोर्डिनेट का सम्मान करने के लिए माला बना के लाई सबको पहना दिया। तो इसलिए भी आप लोग का इतना भीड़, हम 11 बजे रात हम तो दोनों नोट करेंगे, अभी जब लास्ट होगा ना सेल्फी लेंगे घड़ी और आपका दोनों का, और कहेंगे देखो सम्मान ये सब काम में कितना मिलता है। बहुत सही, एक गीत सुनाता हूँ। कौन सा? बिहार। ये लड़के ने रील बनाना इसीलिए छोड़ा है कि आप आएंगे। अच्छा, रील का एक गाना बड़ा वायरल हुआ था, मैं सुनाता हूँ। लेकिन अब आप जानते हैं सर, मैं कविता मैंने लिखना क्यों शुरू किया, मैं इस देश का संभवतः एक आध लेखकों में हूँ जो हिंदी का उपन्यास लिखता है और उससे आजीविका चलाता है, यानी मैं दूसरा काम नहीं करता, मैं करता ही नहीं। मैं मुझसे एक बार एग्जाम में PCS के एग्जाम में मुझे से एक बार क्वेश्चन आ गया था सर, मैं एग्जाम दे रहा था, मुझे साहित्य अकेडमी 2016 का साहित्य अकेडमी वो अवार्ड मिला था, तो मुझे से क्वेश्चन आ गया था कि भाई डार्क हॉर्स के लेखक नहीं लिखे तुमसे कौन है। मैं MP के एग्जाम में था, बराक ओबामा, अमिताभ घोष, अरुंधति राय, नीलोत्पल मन्नाथ ऑप्शन था, मुझसे क्वेश्चन आ गया। उसके बाद 2018 में
तब मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि भाई इस देश की व्यवस्था अगर ऐसी है कि उसने जिसको प्रश्न बनाया है उसको देने के लिए उसके पास एक नौकरी नहीं है, तो दोनों का इकबाल इसी में बचा रहेगा, तुम अपने लाइन हम अपना लाइन पकड़ लेंगे, हम लोग एक दूसरे से कुछ लेंगे देंगे नहीं, दोनों का इज्जत बना रहे। उसके बाद से मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया है ना, उसके बाद इज्जतें पर काम चल रहा, अब इतना गेंदा ले जाएंगे नहीं। बहुत बड़ी बात है भैया, इनकी डॉग हॉर्स हर अलमारी में है। तो अब मैं सुनाता ग्रील वाला ओंकार जी, बस ग्रील वाला गीत सुना, अब बिहार, पहले बिहार सुना। हाँ, मैंने बिहार पर दो गीत लिखा है। अभी 5 दिन पहले आप डिप्टी सीएम बिहार ने एक ट्वीट ट्विटर पर ट्वीट किया है जिसमें वो जापान गए हुए हैं और जापान में बिहारी लोग ये गीत गा रहे हैं, मेरा गाया हुआ गीत, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। तो वहाँ जो बिहारी लोग हैं जापान में वो लोग इस गीत को गा रहे हैं, डिप्टी सीएम का, तो डिप्टी सीएम भी वहाँ है, तो डिप्टी सीएम ने वहीं से ट्वीट किया था। तो हाँ, मुझे लगा कि मैंने मुखर्जी नगर के छोटे से कमरे में इस गीत को लिखा था और वो कहाँ तक पहुँचा सरहद पार करके। लेकिन मैं दूसरा गीत सुनाता हूँ क्योंकि पहला वाला गीत थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, उसमें वही सब है जो अभी ई अध्यक्ष जी हैं जितेंद्र जी, ये हमको ऐसे आदेश दे रहे हैं कि हमारा ही पत्ता काट देंगे, इसलिए भैया दोनों सुना देंगे, दोनों सुना। उसमें वही है कि भाई हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, देश बना है जिसमें टीका इसकी जिम्मेदारी, उसकी हिस्सेदारी हूँ, खुद महावीर चंद्रगुप्त के गौरव का अधिकारी हूँ। तो जब इस हम लोग बोलते हैं ना कि भोजपुरी का वो क्या विद्यापति सा राजा हूँ, भोजपुरी का भिखारी हूँ, तो लोग हम लोग पूछता है कितना दिन बाप दादा का नाम पकाओगे तुम। किसी ने सारी बंद किए गाना, नहीं ठीक है, बाहर वाले लोग साइड ले जाते हैं। इधर ये अशोक मान गए चंद्रगुप्त, ठीक है तुम्हारे था, हाँ ठीक, गुरु नानक भी वहीं पटने में जाकर जन्म लिया, और तुम लोग क्या कर रहे हो, टेंशन हो जाता है अभी किसका नाम ले। तो अभी बंद किए, मैं पहले भी यही सब पूरा गाते थे, कोसी को पीता हूँ सोन में नहाता हूँ और गंगा की लहरों पे करता मैं सवारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। वाह, कि दुनिया में हमने, कि दुनिया में हमने रंग भरे हैं मधुबनी की चित्रकारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। गाते थे कि वैशाली का गणतंत्र हूँ और जेपी की चिंगारी हूँ और चट्टानों को तोड़ा है दशरथ का हथौड़ा भारी हूँ। हाय क्या बात है, कि चट्टानों को तोड़ा है दशरथ का हथौड़ा भारी हूँ, हाय हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। ये सब जब बोलते थे तो फिर पीछे से हुरकुचे लोग, तो लास्ट में ये बोल के खत्म करते थे कि पीछे का इतिहास देख लो, पीछे का इतिहास देख लो, आगे की तैयारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। लेकिन फिर हम दूसरा गाना लिखे, दूसरा गाना हम तब लिखे जब हमको याद आया अपना बचपन। अच्छा, हम लोग को मोटिवेशन कैसे करते थे बाप, कहानी सुनाता है बूढ़ा बुजुर्ग राजेंद्र प्रसाद जब स्कूल जाते थे। हम लोग का मोटिवेशन देखिए कहाँ से आता है, राजेंद्र बाबू जब स्कूल जाते थे, एग्जाम में बैठे हैं खैनी खाना, कहाँ ले गया खैनी, खैनी सिखाने राजेंद्र बाबू तक ले गया। और फिर बोलता है कि जब जेब में हाथ डाले देखे चूना नहीं, फिर अपना नाखून की तरफ देखे, अरे यार भैरव बाबा इसीलिए तो नाखून बढ़ाए थे कि दीवार से फिर चूना खखोर के निकाले, फिर खैनी में डाल के बनाए, उसके बाद खाए, फिर एग्जाम लिखे, तो जब पेपर रिजल्ट आया तो लिखा गया कि परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा योग्य है। अभी हम लोग सुन लेते हैं छठे सातवां में, मैट्रिक तक आते आते आधे याद रहता है कि राजेंद्र बाबू जब खैनी निकाले चूना घटा। तो हम लोग वहां से मोटिवेशन लेते हैं,
मोटिवेशन पे आखिरी बात बोल के अगला गीत सुनाता हूँ कि दुनिया में लड़कियों को मैं छोड़ रहा हूँ, लड़कियों को इसलिए मैं इससे अलग कर रहा हूँ क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि हिंदुस्तान की परंपरा, अभी जो लाइन उन्होंने कहा मैं सोने का हिरण नहीं मांगूंगी, बस मेरे लिए तुम कोई रेखा मत खींचना, रेखा मत बनाना। और भावना ने कहा, पिता से क्या कहा कि कुछ भी हो जाए आप निश्चिंत रहिए मैं रेखा नहीं पार करूंगी। अब देखिए दो कवित्रों ने बैक टू बैक दो दिशा की बात कही, अलग अलग पिरामिड है। बस अब देखिए कितनी अच्छी बात हुई यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक्चुअली लिटरेचर अपने आप कहा गया है। एक दर्शन ये भी है कि एक बेटी कह रही है अपने बाप को कि आप निश्चिंत रहिए मैं रेखा नहीं क्रॉस करूंगी, वो रेखा क्या है कैसी बनाई गई है तय कौन कर रहा है, हमारा घर करता है। एक लड़की अपने पति से कह रही है क्योंकि सोने का हिरण को बाप से मांग नहीं सकता है क्योंकि जानता है कि मिट्टी को अपने पसीने में मिला के माटी की मूरत के जैसा हमको जिंदा करने वाला आदमी सोने की हिरण क्यों ला। क्या बात है, क्या बात है। आप अपने बाप से कभी सोने का हिरण नहीं मांग सकते, पति से मांग रही है और तब पति को कह रही है कि तुम कोई रेखा मत बनाना क्योंकि वो तो आयातित रेखा होगा, इम्पोर्टेड होगा, तुम उनको जानते नहीं हो, ना तुम मेरा संस्कार जानते हो, ना तुम मेरा व्यवहार जानते हो, तुम आओगे कहीं से हवाई उड़ान देकर एक रेखा बना दोगे। और ये अपने बाप से कह रही है कि आपकी रेखा का तो पालन करूंगी क्योंकि आपकी रेखा में मेरा पूरा जीवन है, संस्कार है, आप मुझे जानते हैं, आपको पता है कि हमको कितनी दूर तक अपनी पुत्रियों को आज़ादी देनी है, इसलिए मैं बेटियों को अलग करता हूँ यहाँ से। लेकिन बेटों को बताता हूँ कि दुनिया का कोई मोटिवेशन तुमको मोटिवेट नहीं कर सकता है, बाप का चार जूता कपार पर पड़ेगा सबसे बड़ा मोटिवेशन, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं। क्या भाई, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन, क्या बात, क्या बात। अब मैं सुनाता हूँ वो गीत जो आज के बिहार का है, इसमें एक शब्द आएगा सर रंगदार। अभी एक पेज पर यार मेरा गीत लगाया, मिलियंस व्यू है वहाँ, बहुत ज़्यादा, अभी तुरंत चार दिन पहले, बिहारी नाम का एक पेज है, वहाँ पर कुछ लोग हमको गाली दे रहा है कि तुम लोग बिहारी लोग यही सब रंगदारी करते रहो, यही बोलते हो रंगदार, गरिया रहा है। एक्चुअली रंगदार शब्द का अर्थ ये हुआ कि जिसमें कई रंग हो, खुसरो अपने अपने इस यहाँ इस्तेमाल करते हैं रंगदार, तो मैं वो रंगदार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब बिहारी सुनिए, अरे बस बिहारी हंस हमेशा से हम रंगदार हैं, हे बस बिहारी हंस हमेशा से हम रंगदार हैं, लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े उर्वर टाल कछार हैं, अरे सारी कंट्री भैया बोले हम सबके रिश्तेदार हैं, बिहार है रे राजा हम बिहार हैं, बिहार है रे बाबू हम बिहार हैं, बिहार है रे राजा हम बिहार हैं, हैं हैं अध्यक्ष बिहार है रे बाबू हम बिहार हैं। और क्या है बिहार, जो मैं भी राजेंद्र बाबू वाली बात कह रहा था कि खैनी खा के दिए कलेक्टर और सतुआ पी के फिल्म को एक्टर, अरे खैनी खा के दिए कलेक्टर अरे सतुआ पी के फिल्म को एक्टर। हाय आप देखिए कि इस धरती ने, इस धरती का जो व्यवहारिक जीवन यहाँ का संघर्ष है, मैं कई बार जब मिलता हूँ पंकज भैया, पंकज त्रिपाठी, आज के दिन में बॉलीवुड पर, बॉलीवुड के सुनो सैम पर अगर किसी ने माटी लेप के बताया कि माटी में क्या ताकत होती है, वो अभिनेता बिहार में, मैं उनसे जब मिलता हूँ तो बोलते हैं जान, तो ये डायलॉग जो है ना, जो जो सबसे हिट डायलॉग मेरा सुन रहे हो, ये मुझको लिख के नहीं दिया गया, हमने इम्प्रोवाइज करके बोल दिया। अब बोल दिया तो फिर तब डायरेक्टर आता है, स्क्रिप्ट राइटर आता है, बोलता है कि अरे बॉस इसको रखना है, तो वो हमारा अनुभव दे देता है चलते फिरते। खैनी खा के दिए कलेक्टर अरे सतुआ पी के फिल्म को एक्टर, अरे अपनी बड़ाई खुद ही करे क्या, पढ़िए हिस्ट्री पलट के चैप्टर, हाय अरे लिटरेचर में जीनियस है हम, ए लिटरेचर में जीनियस है हम और मैथ में होशियार है, बिहार है रे राजा हम बिहार हैं,
बिहार है रे बाबू, हम बिहार हैं। और हमको कहा जाता है मजदूर मजदूर, बहुत मजदूर ये लोग पैदा कर रहा है, तुम लोग कहाँ से आ जाते हो, काहे बम्बई भर रहे हो, दिल्ली खाली करो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कहाँ जाए, इधर जाओ उधर जाओ। नहीं, ये हमारी ताकत है, ये हमारी उर्वरकता है कि हम धान के साथ साथ देश का निर्माण करने वाला हाथ भी उगाते हैं। हमको इस हाथ उगाने पर गर्व करना चाहिए। हमारे खेत पर धान उगता और मेड़ में हाथ उगता है, जिससे देश निर्मित हो रहा है। तो वही है कि देश को निर्मित करने वाले, अरे हमने हाथ उगाए हैं। जब भी जरूरत पड़ी देश को, अरे गमछा बांध के आए हैं। हाय, अरे वायरस फायरस कुछ नहीं घुसता, ये वायरस फायरस कुछ नहीं घुसता, हम तैर के गंगा पार हैं। हाय, बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिरी गीत आपको सुनाता हूँ और उसके बाद मैं जिंदगी भर के लिए हिसुआ आपकी मोहब्बत, आपका साहित्य के प्रति इतना अनुराग, अनुराग से ज्यादा प्रोत्साहन, आप जो खड़े हैं प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपके प्रशासक, आपके जनप्रतिनिधि, आपके आपके शहर के ऐसे युवा, ओंकार जी जैसे मामू आप हैं, आप हैं अध्यक्ष हैं मामू सिंह का प्रमोशन अध्यक्ष हो गया। तो आप लोगों ने जो किया है मेरे लिए भी लेसन है। मेरे गांव में हम कवि सम्मेलन करते हैं, हम होली में बाबू 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 हाँ आप लोग सुन रहे हैं, मुझे तो लग रहा था कि हम अपने गांव में, चूंकि कवि हो गए हैं, सोचते हैं होली में हम जब घर जाते थे कवि सम्मेलन करते थे, सुनने वाला कोई नहीं। पापा जी बोलते हैं ऐसा करो पूरी बुनिया बनवाओ तो पूरी बुनिया सब्जी उसमें चार आदमी सलाह देगा, तरकारी दूगो करवा देती हो तो और भेड़ लगती। मेरा पूरा आयोजक समिति भोज की तैयारी में लगा रहा है और श्रोता जो है वो बीचे से ऊंचा देगा, बाबा चलवा देती होकर बात होती है कविता। अब जो है पिताजी बोलते चलो खाना खिलवा, तुम्हें चलते तुमको सुनने के लिए इतना लोग खाए बैठा, खिलवा खिलवा, जब खिला उला देते हैं तब बचते हैं हम और दू को हलवाई जो बनाया रहता है खाना, वो नीचे टहलता है पैसवा देती है और हम चल देती है। तो आप तो कम से कम इस तरह से कर रहे हैं। मेरे पापा तो छुट्टी लेके, मेरे पापा डिप्टी कलेक्टर थे, तो वो ऑफिस में मीटिंग हो, पता चले कि क्रिकेट खेलने जा रहा है, तू गाड़ी छोड़ के ऑफिस से चल जाए क्रिकेट के मैदान में, थर्ड मैन में खड़ा होकर बोले मार 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 ओवर पीछे आगे बढ़ के मार। हम आप दोनों काम काहे कर लेते हैं, वहाँ खेल लीजिए, वहाँ खेलिए रहे हैं सरकार में, थर्ड मैन में खड़ा होकर बोले। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाप के जूता से बड़ा आउट हो गया, आवे कहे मीटिंग छोड़ के आए रे कुत्ता, मीटिंग छोड़ के आए, ऐसे बैठी यही यही देखने आए थे, घुसे नहीं है कहा आउट हो गए। इसलिए वो टिकने का मादा देता है। दुनिया में जो बेटा अपने बाप के अखाड़े में उतर के बाप से नहीं लड़ा वो कहीं नहीं लड़ पाएगा, और जो बाप से लड़ लिया उसको कोई हरा नहीं पाएगा। उस पुरुष अखाड़े में क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आजकल डैड्स को फ्रेंड मानने वाला जो पीढ़ी आया है ना, बाप दोस्त होता है, दोस्त फ्रेंड, हम लोग बहुत फॉर्मल इनफॉर्मल है ना, तो वो जो आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरू करता हूँ एक गीत। एक सर पीढ़ी है इंस्टाग्राम की और एक पीढ़ी है सेवाग्राम की। सेवाग्राम वाले चचा लोग बैठे हुए हैं, इंस्टाग्राम वाली भी पीढ़ी बैठी हुई है, लेकिन हर आदमी को अपना अतीत अच्छा लगता है, पुराना समय। जैसे कि मान लीजिए हम लोग परदादा होंगे, अंग्रेज के टाइम में मार खाते थे क्या है, मेरा मोटरसाइकिल वगैरह लगा हुआ है क्या है? भैया सुबह शायद पढ़ ही रहे हैं, कभी पलंग पर लेट लेट लोग लिख देता है, कर रहे हैं, बुझा तो नहीं रहा है क्या है, लेकिन तुम भी वैसे ही लिखो जैसे ऑफिसर लोग फाइल लिखता है, बुझ नहीं रहा है, नोटशीट जैसा लिखे हो।
चलिए कोई बात नहीं, एक गीत सुनाते हैं फिर सुनाएं। तो आप देखिए कि हर आदमी को अपना अतीत अच्छा लगता है, तो नई पीढ़ी है, लेकिन जो पीढ़ी आप लोगों की बैठी हुई, आप लोगों की बैठी हुई, आप लोग जो पाए हैं वो नई पीढ़ी मिस कर रही है, हम लोगों ने जो देखा वो मिस कर रही है। वहां से शुरू करता हूँ, क्या हमारा जमाना था। कि स्कूल की दीवारों पर जा, हाय दिल बनाने वाले लड़के। आज से 10-20 साल पहले जब खपड़ा वाला स्कूल होता था, ऐसा कौन लड़का रहा होगा जो बस्ता लेके जा रहा हो और रास्ता में वो ईटा टूटा गिरा हुआ दीवार पर दिल बना दे। तो दिल किसका है, किधर जा रहा है, कहाँ का तीर है, कुछ नहीं पता। हाँ, दिल बना दे, नीचे बना दे तो कुकुर आ जाए, मान लीजिए पोल उल पर दिल बना देता था, जहां बना दिल बना के चले आया। अब वो जिम्मेदारी है, अब जिसका दिल हो समझे हमने बना दिया, हमारा काम खत्म। स्कूल की दीवारों पर जा, दिल बनाने वाले हैं लड़के। हाय, अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले हैं लड़के। और वो लड़के उसका ढीठ तो उसका ढीठ लड़का होता था कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले हैं लड़के। आए है पर दिल टूटे तो, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले हैं लड़के। अरे दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले हैं लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो जमाना, कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले हैं लड़के। और खाके समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले हैं लड़के। हाँ, और जो लड़का हिसुआ से नवादा साइकिल से जा रहा होगा पढ़ने, कि मेहनत के पथ पर मिलो साइकिल चलाने वाले लड़के। और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो जमाना। अच्छा, तब के टाइम में आज के जैसा व्हाट्सएप तो था नहीं, जो फॉरवर्ड कर दीजिए वीरता हो जाए, इस मैसेज को 200 बार फॉरवर्ड करें तो कराची हिल जाएगा। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो इतना आदमी को भेजिए, व्हाट्सएप भी करके हम लोग लगता है चलो यार फ्रीडम फाइटर हो गए, काम कर दिए मुल्क के लिए, कुछ तो कुछ हो गया, ट्रेन में सीट मिलेगा। हाँ, अब तो कुछ कुछ हुआ, फ्रीडम फाइटर हो गए। हमारे जमाने में वीरता दिखाने का एक साधन था कि बियर पचा के खुद को बहादुर वीर बताने वाले हैं लड़के। देख लो इतना लेला के बाद गोड़ नहीं लेकर, हाय हाय, यही पैमाना होता था कि लड़का कितना बहादुर है। बड़ा गर्व से सब बताता, इनको देखिए, इनको देखिए गोड़ नहीं हिल रहा है, ये तो झूम के गिर गया बकलूल, इससे नहीं निकलेगा यूपीएससी। बियर पचा के खुद को बहादुर वीर बताने वाले लड़के। और निकले सड़क पर गुमटी दफ्तर सील कराने वाले हैं। हाय हाय, और क्या रंगबाजी, कि खड़े खड़े थाना ठेकेदारी डील कराने वाले हैं लड़के। अरे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी सिकंदर फील कराने वाले लड़के। जिंदाबाद। कुछ भी नहीं था, फिर भी सिकंदर फील कराने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, रील बनाने वाले लड़के। आखिरी बंद है, क्या था कि एक शेर रट खुद को गालिब,
मीर बताने वाले हैं लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने लड़के। लेकिन यही लड़के आवारा अल्हड़ लड़के जब अपने अपने जिम्मेदारियों में आते हैं तो यही लड़के क्या करते हैं फिर कि हक में उठे तो, अरे हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। जिंदाबाद। कि हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, रील बनाने वाले लड़के। जिंदाबाद विश्वास, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार।